इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। रीवा के आयुर्वेद महाविद्यालय का प्राचार्य है गुंडा। दादागिरी के दम पर चला रहा है चिकित्सालय। चिकित्सकों को छोड़कर अन्य स्टाफ भी करते हैं गुंडई। सैया भय कोतवाल को अब डर को कहा की तर्ज पर दीपक कुलश्रेष्ठ व इसका स्टाफ करवा रहा आयुर्वेद चिकित्सालय में दादागिरी, अवैध वसूली और भर्रेशाही। जिस तरह सफेद कोट में विंध्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी की छवि को बट्टा लगाया गया है और जिस तरह संजय गांधी हॉस्पिटल का दूसरा नाम मौत का अस्पताल भी है, उसी तर्ज में रीवा आयुर्वेद हॉस्पिटल का डीन भी आयुर्वेद के नाम पर लगवा रहा है धब्बा, करवा रहा है चोरी वसूली, अवैध गतिविधियों का संचालन भी करवा रहे हैं। स्टाफ के मरीज रहते हैं पहले से सेट, पैसा और कमीशन खोरी ने हाईजैक किया सारा सिस्टम। हम जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं वो सिस्टम को शर्मसार करने वाली है। देखिए किस तरह लूले लंगड़े बुजुर्ग अपाहिज गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। आखिर क्या दीन ही चोर है या और बड़े चोर उड़ा रहे हैं सिस्टम का मखौल, ये एक ज्वलंत मुद्दा है। फिलहाल सफेद पोशधारी व इनके सहयोगी कुछ नीली कोट वाले कुछ हरी कोट वालों ने मिलकर आयुर्वेद हॉस्पिटल रीवा को बना डाला है लूट का अड्डा। चल रही वसूली कर्मचारी लील रहे लोगों की जिंदगी, पैसे लेकर की जाती है मालिश, थेरेपी के नाम पर परोसे जा रही है मौत। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में संचालित आयुर्वेद हॉस्पिटल निपानिया में मरीजों के साथ हो रहा सरासर पक्षपात, पैसा दो जिंदगी बचाओ के तर्ज पर हो रही भर्रेशाही। पंचकर्म थेरेपी के नाम पर 650 रुपए की रसीद काटकर मरीजों को बनाया जा रहा है बेवकूफ। नदारद मिले इंचार्ज, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं दिखा। आखिर कब सुधरेगा दीन दीपक कुलश्रेष्ठ का रवैया। जी हां, स्टोर इंचार्ज लेडी डॉक्टर दिख तो रही थी पर वो व्हाट्सएप और अन्य फोन की मनोरंजक गतिविधियों में मशगूल रही। सारे कर्मचारी व प्रबंधन भले ड्यूटी कर रहा था परंतु सभी का दिमाग हॉस्पिटल में नहीं कहीं अन्यत्र दिख रहा था। मध्य प्रदेश शासन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशनर कार्ड दिया जाता है जिसमें पेंशनर की पर्ची मुफ्त में काटती है, लेकिन आयुर्वेद हॉस्पिटल में पर्ची काटने के लिए रखे गए हैं बाउंसर। जबरन छीना झपटे से ले लेते हैं पैसे, ना देने की स्थिति में बुजुर्गों से करते हैं बदतमीजी। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।